एक दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर प्रहार किया। कर्पूरी ठाकुर की जन्मशती पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि अपने परिवार को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाने के पीछे की वजह उनका बताया रास्ता है। नीतीश कुमार की इस बात का जवाब विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, जवाब आज आया है। सत्ता में उनके साथी लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है और जवाब कहीं बाहर से नहीं बल्कि लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने दिया है। बहुत कड़क जवाब दिया है, सोशल मीडिया पर दिया है, ये उथल पुथल का लक्षण है। वैसे गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग को अचानक रोकने और विज्ञप्ति तक अटकाए जाने से भी अटकलों में तेजी आई है। कैबिनेट बैठक भी महज 15 मिनट चली और सीएम भी तेजस्वी से बिना बात किए बढ़ गए। 23 जनवरी को जब जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान हुआ तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने मीडिया को जारी संदेश में कहा कि जदयू की पुरानी मांग पूरी करने के लिए पीएम मोदी को हृदय से आभार। अगले दिन राजद, जदयू और भाजपा ने पटना में कर्पूरी जन्मशती पर अलग अलग कार्यक्रम किया था। जदयू के कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर हमला बोला, कहा कि कर्पूरी ठाकुर इसके खिलाफ थे। उन्होंने उदाहरण सहित इसकी व्याख्या की। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने पीएम पर हमेशा की तरह हमला नहीं किया। उधर राजद के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने कहा कि नौकरी देने वाली महागठबंधन सरकार ने जातीय जनगणना कराई तो मजबूरी में केंद्र सरकार को भारत रत्न के लिए घोषणा करनी पड़ी। सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को जो कहा उस पर राजद की ओर से प्रतिक्रिया नहीं आई। भाजपा ने नरम प्रतिक्रिया जताई कि अगर परिवारवाद से दिक्कत है तो ऐसे लोगों के साथ क्यों है। अब असल हमला लालू यादव को किडनी दान करने के लिए चर्चित है उनकी बेटी NRI रोहिणी आचार्य ने किया है। रोहिणी ने गुरुवार सुबह सबसे पहले लिखा, अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पे कीचड़ उछालने को करते हैं बदतमीजियां। इस वाक्यांश में कहीं भी नीतीश कुमार का नाम तो नहीं है, लेकिन मूलतः हमला सीएम पर ही किया गया। और स्पष्टता के लिए रोहिणी ने कुछ ही देर बाद अगली लाइन लिखी, खींच जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नीयत में ही हो खोट। रोहिणी की इस पंक्तियों ने साफ कर दिया कि उनका हमला नीतीश पर ही है। जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ जनादेश लेकर उनके सीएम थे तो राजद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे को लेकर इस तरह की टिप्पणी की थी। जब वो महागठबंधन के सीएम बने तो ऐसी टिप्पणियां रुक गई थी। रोहिणी यही नहीं रुकी, उन्होंने फिर लिखा, समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिसकी विचारधारा है। ये लाइनें भी नीतीश कुमार को लेकर हैं क्योंकि उन्होंने एक बार राजद के साथ जनादेश लेकर भाजपा का दामन थामा था और फिर भाजपा के साथ सरकार बनाने के लिए वोट लेकर राजद के साथ मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।